तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी चलाते हैं सेक्शन 8 वाली, तो उसके लोन कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, लोन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ में जो अब आपको देना है एक सीट और देनी है कि कितनी कितनी ईएमआई हर मंथ कस्टमर को रीपे करनी है, कितना आपने लोन दिया है, कितनी प्रोसेसिंग फीस है, कितना फाइल चार्ज है। अगर आप इस फॉर्मेट के थ्रू काम करेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपके पास चाहे सॉफ्टवेयर है या फिर नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेट आपको हमेशा यूज करना है। सॉफ्टवेयर में आपको रिकॉर्ड रखने के पर्पज से यूज करना है, लेकिन जब आप कस्टमर को फॉर्म देंगे लोन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो हमने लास्ट वीडियो में बताया है, आप चैनल पर देख सकते हैं, तो उस वीडियो उस फॉर्म के साथ में लोन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म तो भर करके आपको अपने पास रख लेना है, लेकिन ये जो सीट है ये आपको कस्टमर को देनी है और कस्टमर को बता भी देना है। ये 1 सेकंड में आपकी सारी की सारी ईएमआई बता देगा कि भाई पर मंथ आपकी कितनी ईएमआई है, कितना चार्ज आपका बनना है, टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। और अगर आप इस एक्सेल सीट का फॉर्मेट चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अपनी माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 कंपनी हमारे थ्रू रजिस्टर कराई हुई है तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले लोन कैलकुलेशन समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को समझना जरूरी होता है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी के केस में। तो पॉइंट है, सबसे पहले तो हमें टेन्योर ऑफ लोन यहाँ पर देखना होता है कि भाई टेन्योर ऑफ लोन हमारा कितना होगा सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी अनसिक्योर्ड लोन दे सकती है अप टू ₹50,000, 50,000 तक का अनसिक्योर्ड लोन दे सकती है। और अगर कोई पर्सन मतलब अपना ड्वेलिंग हाउस यानी घर या फिर शॉप बनाने के लिए लोन ले रहा है तो उस केस में 1,25,000, 1,25,000 तक का लोन यहाँ पर दे सकती है। अब बात आती है कि सर लोन का पीरियड कितना रहेगा, हम कितना कम से कम रख सकते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट भी हम दोस्तों यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। तो टेन्योर ऑफ लोन को ये कह रहा है कि नॉट लेस देन 24 मंथ, ये टेन्योर ऑफ लोन कितना हो गया, 24 मंथ से कम नहीं होना चाहिए फॉर द लोन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 30,000। अगर आप 30,000 से ज्यादा का लोन दे रहे हैं तो लोन का जो टाइम है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 24 मंथ होना चाहिए आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अभी आरबीआई की जो मार्च में गाइडलाइन आई थी, आरबीआई ने उसमें बोला था कि जब भी आप किसी कस्टमर को लोन देंगे तो उनको प्रॉपर इस तरीके से बताएंगे कि भाई लोन कितना हमने लोन दिया है, कितनी प्रोसेसिंग फीस है, कितना फाइल चार्ज है, कितना इंश्योरेंस है, टोटल कितना है, इंटरेस्ट रेट कितनी है, कितने मंथ के लिए कस्टमर ने लिया है, और कितना टोटल मंथली पेमेंट कितना है यानी कि ईएमआई कितनी देनी है, और टोटल रीपेमेंट कितना है, टोटल इंटरेस्ट कितना है। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करके आपको देना है। अगर आप कंपनी के पर्सन है तो आपको अपने कस्टमर को ये डिटेल देनी है आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जब भी चेक होने लगा पेनलाइज आपको किया जा सकता है, और आरबीआई नहीं भी चेक करे तो आपको प्रॉब्लम प्रोसेस में आएंगी ही, क्योंकि सही तरीके से अगर नहीं करेंगे तो कस्टमर भी ज्यादा से ज्यादा डिफॉल्ट करते हैं, आप ईएमआई मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सिंपल है, 2 मिनट में आप इसको समझ जाएंगे, लेकिन इससे पहले ये मैं जो पॉइंट समझा रहा हूँ ये समझना जरूरी है। तो दोस्तों, लोन की आपको दो कैटेगरी रखनी है, एक लोन तो वो जो 30,000 तक का है, 30,000 तक में वो सारे लोन आ गए जो 30,000 से कम के हैं, चाहे 5,000 का लोन हो, 10,000 का लोन हो, 15,000 का हो, 20,000 का हो, 25,000 का हो या फिर 30,000 का हो। अगर आपके लोन कितने हैं, 30,000 तक के लोन है, तो आपको जो टाइम पीरियड है, इफ लोन अमाउंट इज लेस देन 30,000 देन इट्स टेन्योर कैन बी लेस देन 24 मंथ। यानी दोस्तों, अगर लोन का अमाउंट 30,000 तक का है, 30,000 या उससे कम है, तो जो टेन्योर है यानी कितने पीरियड के लिए हम लोन दे रहे हैं वो कहां तक हो सकता है, 6 to 24 मंथ में हो सकता है। आप चाहे तो उसे 6 महीने के लिए दे सकते हैं, 8 महीने के साथ मतलब 6 से और 24 मंथ के बीच में दे सकते हैं, चाहे वो 6 के लिए हो, 7 के लिए हो, 8 के लिए हो, 9 के लिए हो, 10 के लिए हो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो इतने के लिए आप दे सकते हैं। आप कहेंगे कि सर हम 24 या उससे ज्यादा के लिए दे सकते हैं, दे सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये होता है ना, जब छोटा छोटा लोन होता है तो कस्टमर चाहता है कि यार मैं 2 साल तक क्यों लटकूं, मैं चाहता हूं कि इसको 6 महीने में ही पे कर देता हूं, तो इसलिए यहां पर टाइम कम दिया गया है। तो आप उसको कस्टमर की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कम टाइम रख सकते हैं, जैसे कि 6 महीने, और जरूरी नहीं कि पेमेंट आप मंथ में ही लें, आप वीक में भी उससे ले सकते हैं, लेकिन या डेली भी पेमेंट ले सकते हैं, लेकिन जब पेमेंट डेली और वीकली होता है ना तो डिफॉल्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि कस्टमर कहता है यार मैंने कल तो पैसे दिए थे, आज फिर मेरे ऊपर लायबिलिटी हो गई है, क्योंकि उसकी कोई डेली इनकम भी जनरेट नहीं होती है। अब जो बिजनेसमैन है जिनकी दुकान वगैरह शॉप है, अच्छा काम चल रहा है, वो तो डेली आपको दे देंगे या वीकली आपको दे देंगे, लेकिन जो लोग जॉब वाले हैं जिनका बिजनेस भी इतना अच्छा नहीं चल रहा, वो आपको डेली या वीकली नहीं दे पाएंगे, उनसे बेटर है कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट ही लें। ठीक है दोस्तों, तो अगर लोन का अमाउंट हमारा 30,000 तक का है तो हम जो टाइम पीरियड है वो 6 से 24 मंथ के बीच में रख सकते हैं। अगर लोन का अमाउंट हमारा 30,000 से ऊपर है यानी 31,000 से 50,000 के बीच में है, या फिर घर या दुकान बनाने के लिए 1,25,000 तक है, तो उस केस में जो ईएमआई रहेगी, ईएमआई का पीरियड रहेगा वो 24 मंथ से 36 मंथ तक हो सकता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 24 टू
36 मंथ तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वाला डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई आपका डाउट रहता है या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने डिस्कस नहीं किया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम जो भी रेलेवेंट कमेंट होती है उनका रिप्लाई जरूर करते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कैलकुलेशन वाली सीट की तरफ। यहां पर जो मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इंटरेस्ट रेट है ये वाली 26% जो मैंने यहां पर लिया हुआ है, तो 26% आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी को मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों ये रिड्यूसिंग पेमेंट मेथड पर लगाई जाती है। रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि अगर आपका 50,000 का लोन है और आपने 10,000 उनसे बकाया ले लिए हैं तो बाकी मतलब रिड्यूसिंग का मतलब है कि जो आपने प्रिंसिपल में से ले लिया है प्रिंसिपल में से जो आपने ले लिया है उसको लेस करके बाकी जो अमाउंट है उस पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है, यानी कि पूरे टोटल पर नहीं लगती है बाकी बैलेंस मेथड पर लगती है। और ये 26% दोस्तों मैक्सिमम रेट है, आप चाहे तो इससे कम ले सकते हैं, चाहे तो आप 20% ले सकते हैं, चाहे तो आप 15% ले सकते हैं, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपनी और जो बेस्ट अगर मैं सजेस्ट करूं तो क्या रहेगी वो 25 रहेगी क्योंकि मैक्सिमम है 26, तो आपको 1-8% उससे कम लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और आप 26 भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ लोन अगर हमारा 50,000 का लोन है तो कितना रहेगा दोस्तों, हम 24 से 36 मंथ के बीच में रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमें क्या करना है, तो मैं एक बार इस शीट में सब में 0-0 कर देता हूँ और तब आपको बताते हैं कि भाई किस तरीके से करना है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों सीट हमारी बिल्कुल ब्लैंक हो गई है, 0-0 हमने कर दिए सारी फिगर में। अब इसको समझाते हैं कि आपको किस तरीके से ईएमआई कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉलम देख सकते हैं, ये है भैया लोन कैलकुलेटर, हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस। ये मतलब किसी भी कंपनी के लिए आप लोन कैलकुलेशन करेंगे, जैसे बाइक वगैरह की किस्त भी आप देते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों ये यूजफुल रहेगा, इसलिए मैंने पहले ये लिखा नहीं था। तो लोन कैलकुलेटर फॉर सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी। अब यहां पर इनपुट वैल्यू का मतलब होता है कि जो वैल्यू हमें देनी है, कि हमें ये जो कॉलम है ना ये इतने में जो वैल्यू है लोन अमाउंट से मंथ तक, ये हमें वैल्यू अपने आप फिल करनी है और बाकी सारा ये जो है कितना कितने मंथ का रहेगा, यहाँ कितना ओपनिंग बैलेंस, कितना प्रिंसिपल, कितना इंटरेस्ट, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है, ये सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी इस फॉर्मेट के द्वारा, क्योंकि इस फॉर्मेट में काफी सारे फॉर्मूलों का यूज किया गया है। अगर आप ये फॉर्मेट डाउनलोड करते हैं या फिर हमारे थ्रू लेते हैं तो आपको फॉर्मूले वगैरह इसके बिल्कुल भी दोस्तों टच नहीं करने हैं, छेड़ने नहीं है, जो है जिस तरीके से हम इस वीडियो में समझाएंगे उसी तरीके से आपको चलना है और सारा का सारा अपना काम करते रहना है। तो ये है इनपुट वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू हमें देनी है, जैसे कि कंप्यूटर होता है ना, जब हम कंप्यूटर सीखते हैं तो उसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम डाटा कंप्यूटर में डालते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, तो ये क्या है इनपुट डिवाइसेस है, या फिर कोई माइक वगैरह हो गया जो आवाज हमें एंटर करने देता है। तो इस तरीके के काफी सारे डिवाइस इनपुट डिवाइसेस हो जाते हैं। वैसे ही हमारी क्या है इनपुट वैल्यू हमें डालनी है, इनपुट वैल्यू, और यहाँ क्या दोस्तों रिजल्ट है, राइट वाले में देखेंगे। रिजल्ट का मतलब होता है आउटपुट, कि हमारी कितनी आउटपुट निकलेगी, रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट हमें किसमें निकालना है, टोटल मंथली पेमेंट, यानी कि दोस्तों टोटल मंथली पेमेंट का मतलब क्या है ईएमआई पर मंथ, कितनी कितने रुपए की हमें ईएमआई, यानी हमें का मतलब हमारे कस्टमर को देनी होगी। तो ये हमें कस्टमर को पहले ही बता करके चलना है कि सर जब कस्टमर कोई भी लोन लेने के लिए आएगा तो आपको बताना है कि सर अगर आप 20,000 का लोन लेंगे तो आपके सर कितने मंथ के लिए लेंगे, वो कहेगा सर मुझे 6 महीने के लिए चाहिए, आप कहेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहेंगे सर आपकी जो ईएमआई बनेगी ना पर मंथ की 6 महीने के लिए अगर आप ले रहे हैं तो इतने इतने रुपए की बनेगी, टोटल आपका जो पेमेंट होगा इतना होगा, टोटल इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। तो हमें क्या डालना है इनपुट वैल्यू डालनी है, हमें क्या मिलेगा रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा, ये पूरी सीट भरी हुई अपने आप मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, और अगर मैं पहले थोड़ा सा फॉर्मूला और आपको बता देता हूँ बेसिक, तो ये अगर हमने सिंपली ओपनिंग बैलेंस में क्या आएगा दोस्तों, हमने ये टोटल लोन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, प्रिंसिपल में हमने जो बैलेंस आएगा ना प्रिंसिपल का, मतलब ईएमआई देने के बाद में, वो यहाँ पर काफी फॉर्मूला लगा करके आया है, तो आप इसके चक्कर में ना पड़े क्योंकि काफी टेक्निकलिटीज हो जाएगी अगर मैं आपको ये बताने लगूंगा। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि फॉर्मूले के साथ में किस तरीके से सीट रेडी करनी है। और इंटरेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट के लिए भी आप ये देख सकते हैं कितना फॉर्मूला इसमें लगा है, क्लोजिंग बैलेंस हमारा हो जाएगा ईएमआई देने के बाद में, और पर मंथ की ईएमआई हमारी ये आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम वैल्यू डालना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आपको रूल बताया था बेसिक रूल की वाली सीट जो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कॉम्बो लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें देखना है अगर लोन का अमाउंट कितना है 30,000 तक है तो हमें 6 से 24 मंथ का टाइम, मतलब 6 से कितने देना है 6 महीने से 24 मंथ तक का टाइम हो सकता है, 24 से कम या 24 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपका लोन का अमाउंट कितना है 30,000 से ज्यादा है तो आपका 24 से 36 मंथ का टाइम रखना जरूरी है, मैंडेटरी है ये। ठीक है दोस्तों, तो हम दो कैटेगरी में ही लेकर चलेंगे, एक में हम लेकर चलेंगे लोन अमाउंट 25,000, तो हम इनपुट वैल्यू अपनी डालते हैं। तो आइए पहले हम कैटेगरी
से स्टार्ट करते हैं जो 30,000 तक वाला लोन है, तो 30,000 तक में हम डालेंगे 25,000। प्रोसेसिंग फीस दोस्तों कितनी है? प्रोसेसिंग फीस माइक्रो फाइनेंस कंपनी के केस में आप 1% तक की चार्ज कर सकते हैं। तो 25,000 का 1% दोस्तों कितना होगा? आप चाहें तो इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला आप लगाएंगे तो 25,000 इस तरीके से करेंगे, इंटू करेंगे, वन करेंगे और यहाँ पर परसेंटेज अपनी लगा देंगे, तो ये हमारा 250 आ जाएगा। फाइल चार्ज दोस्तों, फाइल चार्ज कोई भी मेंशन नहीं किया गया है आरबीआई गाइडलाइन में। आपका जितना खर्चा है, जैसे कि आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं और आप ये फॉर्म प्रिंट निकाल करके कस्टमर को देंगे, तो उसकी जो फाइल चार्ज होती है, हो सकता है वो 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, वो आप यहाँ पर अपनी लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इंश्योरेंस चार्जेस की। इंश्योरेंस चार्जेस क्या होते हैं, ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। दोस्तों जब भी कोई कंपनी लोन देती है तो उनमें से कुछ कंपनी अपने उस लोन को इंश्योर्ड करा लेती हैं, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर के उस लोन की क्या करा लेती हैं दोस्तों? इंश्योरेंस करा लेती हैं। जैसे हम अपनी बाइक का, मोबाइल का, या छोटी छोटी चीजों का इंश्योरेंस करा लेते हैं। बड़ी चीजों का तो होता ही है, जैसे बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, कंपनी, उनका तो होता ही है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे बाइक है, अगर आपने कोई नई बाइक ली तो आप, और कई बार जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो भी चेक करते हैं ना कि भाई आपका इंश्योरेंस रिन्यू है या फिर नहीं है, तो वो इंश्योरेंस ही ये होता है। जो इंश्योरेंस कराने में फीस लगती है वो यहाँ पर आता है इंश्योरेंस चार्ज। तो अगर आपने लोन का इंश्योरेंस करा रखा है कि कोई कस्टमर अगर डिफॉल्ट करता है या फिर किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है तो हमारा लोन उस केस में डूब सकता है, तो जो उस इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो यहाँ पर डालनी होगी। तो दोस्तों अगर आप भी सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी चलाते हैं और अपने लोन का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आप जनरल इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम वो लोन, वो मतलब इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। क्योंकि वो सिंपल प्रोसेस है, आप जाएंगे जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास, आप चाहे तो उसकी एजेंसी खुद ले सकते हैं और अपने कस्टमर को इंश्योरेंस करा सकते हैं, और चाहे तो आप किसी एजेंट के थ्रू भी करा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ जनरल इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग, कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा LIC का, जिसका भी IPO भी आया था कुछ टाइम पहले, तो वो होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। वैसे एक है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है अदर देन लाइफ के जो इंश्योरेंस होते हैं, अदर देन मैराइन शिप वाले जो इंश्योरेंस होते हैं उससे अलग, जैसे बस, गाड़ी, बाइक, मोबाइल, तो इस टाइप के इंश्योरेंस दोस्तों जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। उसी में आपका लोन वाला इंश्योरेंस भी आता है। तो एक तो ये गवर्नमेंट की कंपनी है GIC, अगर आप डालेंगे ना गूगल पे GIC.gov.in के नाम से एक कंपनी आ जाएगी। अभी यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो है, तो आप इसके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। एक है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी है, ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी है, और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस भी है, और स्टार है, स्टार जनरल इंश्योरेंस भी है। आप किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर से बात करके अपने लोन को इंश्योर करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस चार्ज होंगे वो हमें यहाँ पर डालने होंगे। फॉर एग्जाम्पल 25,000 का लोन इंश्योरेंस करने में हमें 200 रुपये का चार्ज लगा था, तो हमने भैया 200 रुपये ऐड कर दिए। तो आपको कस्टमर को ही क्लियरली बताना है कि सर अगर आप 25,000 रुपये का लोन हमसे लेते हैं, 250 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लगेगी, 200 रुपये का फाइल चार्ज लगेगा और 200 रुपये का आपको इंश्योरेंस फीस देनी होगी। आपके जो लोन का अमाउंट है हम आपको 25,000 देंगे, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25,650 हो जाएगी। ठीक है, आपको ये क्लियरली बता देना है और ये सीट उसको दे देनी है कि आपको जो चुकाना है वो लोन प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? 25,650 हो जाएगा। इंटरेस्ट हम कितना ले रहे हैं? हम चाहे तो 26 से कम भी ले सकते हैं और 26 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब कोई पर्सन जो 25,000 का आपके पास लेने के लिए आया था, उसने आपसे कहा कि सर मुझे तो कम पीरियड के नहीं चाहिए, सर मुझे 6 मंथ के लिए चाहिए। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सिर्फ कितना चेक करना है दोस्तों, ये आपने क्या वैल्यू डाली, आपने इनपुट वैल्यू में सारी चीज डाल दी, कितना लोन था, प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज, इंश्योरेंस, टोटल अपने आप हो गया, इंटरेस्ट रेट कितना है, अगर आप 26 लेते हैं तो फिक्स रहेगी, मंथ आपने डाला, तो ये हमारी इनपुट वैल्यू होगी जो हमें डालनी है इस शीट में। उसके बाद दोस्तों हमारा सबका सब देखिए अपने आप कैलकुलेट हो गया, ये कि 6 महीने तक हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। आपको कस्टमर को मेन चीज क्या दिखानी है, इतना आपको दिखाना है कि सर आप ठीक है 4,604.98 रुपये या फिर 4,605 रुपये राउंड ऑफ करके आपको पर मंथ की EMI किस्त अपनी देनी होगी। ठीक है सर, और पर मंथ की EMI हमारी यहाँ पर भी आ रही है, टोटल मंथली पेमेंट, टोटल पेमेंट विद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 27,629 या 27,630 रुपये राउंड ऑफ करके आपको सर देने होंगे। सर आपको टोटल इंटरेस्ट जो इसमें देना होगा वो 1,980 रुपये देना होगा, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इस वाली सीट का आपको एक अपनी कंपनी का आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक कॉलम ऐड करके कि जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ना लेटर एड में ABC माइक्रो केयर फाउंडेशन, तो और यहाँ पर आप लास्ट में अपनी कंपनी का इस तरीके से नाम और एड्रेस और ईमेल आईडी दे सकते हैं, जिससे कि कस्टमर को पता रहे कि भाई ये किस कंपनी से आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दी होगी तो आप ये चीजें मिस कर जाएंगे, क्योंकि टेक्निकलिटीज समझना जरूरी बात है। और जब भी आप ये देंगे, ये कॉपी निकालेंगे प्रिंट PDF करके, मतलब यहाँ पर कंपनी का नाम लिख देंगे आप, और इस तरीके से आपको प्रिंट सिलेक्शन करना है। और दोस्तों
यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से निकालना है, और इसकी हमें दो कॉपी निकालनी है लोन कैलकुलेशन। जब भी आपको ये प्रिंट निकालना है, कस्टमर कोई लोन लेने के लिए आ रहा है तो आपको इसकी दो कॉपी निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम हो जाएगा और आप उसे प्रिंट निकाल करके समझा देंगे, और दो कॉपी निकाल कर निकालने के बाद में आपको दोनों कॉपियों पर एक साइड में उनके साइन कराने हैं, एक साइड में आपके जो कंपनी के पर्सन है डायरेक्टर मैनेजर उनके साइन करने हैं कंपनी के स्टैम्प के साथ में, ठीक है। तो एक कॉपी उनको दे देनी है और एक कॉपी आपको अपने पास रख लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझाने का समझा देना है कि सर आपका लोन इतना था, प्रोसेसिंग फीस इतनी है, और सर फाइल चार्ज इतना है, इंश्योरेंस फीस इतना है, टोटल इतना हो गया, लोन 6 मंथ के लिए रहेगा और 6 मंथ में पर मंथ आपको इतनी ईएमआई देनी होगी, ठीक है भाई। तो ये देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा आ गया है। अब हम वापस से चलते हैं। अगर कोई कस्टमर कह रहा है कि सर हमें 25,000 का लोन चाहिए सर, लेकिन मतलब कई लोग होते हैं ना पूछते हैं आपसे कि सर 25,000 का देखिए सर 6 महीने में कितनी किस्त बन रही है, सर 9 महीने में कितनी किस्त बन रही है, सर 12 महीने में कितनी बन रही है। आपने ठीक है सर मैं 1 सेकंड में आपको बता देता हूँ। अगर कोई पर्सन कह रहा है कि सर मुझे 6 में बता दो, 12 में बता दो, 9 में बता दो, आपने ठीक है आपको सिर्फ कुछ नहीं चेंज करना, आपको सिर्फ एक चीज चेंज करनी है मंथ। देखिए मैं 6 की जगह 9 करूंगा, एंटर मार दूंगा, सब कुछ अपना आप चेंज हो गया। तो यहाँ पर मंथ भी 9 महीने आ गया है, 9 महीने में कितनी किस्त बन जाएगी, 3167.57 रुपये, और 6 महीने में ये किस्त कितनी बन रही थी दोस्तों, 4604.98 रुपये बन रही थी, 9 में इतनी बन रही है। तो आपको कुछ भी एक चीज चेंज करने से सब कुछ आपका चेंज होकर के मिल रहा है। वो कहेगा सर 12 महीने में देखना, आप कहेंगे सर 12 महीने में 2450.35 रुपये की यहाँ पर किस्त आपकी बन रही है, टोटल इंटरेस्ट आपको कितना हो जाएगा, 3754 रुपये का सर आपका टोटल इंटरेस्ट ओनली हो जाएगा, टोटल अमाउंट आपको 29,404.18 रुपये का देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये होगी हमारी 30,000 तक के लोन की कंडीशन। और अगर इसी को कोई 18 महीने के लिए पूछ रहा था, आप 18 करके सिंपली ये चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। तो ये फॉर्मेट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस सीट का और हमारे बेसिक जो हमने रूल बनाए हुए हैं, इस रूल का और लोन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का फॉर्मेट कॉम्बो एक साथ चाहते हैं तीनों का, तो आप कॉम्बो वाले लिंक पर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं जो 30,000 से ज्यादा का लोन है उसमें किस तरीके से हम करेंगे। तो हम सिंपली यहां पर दो कैलकुलेशन ले लेते हैं, 40,000 ले लेते हैं, 40,000 का प्रोसेसिंग फीस 1% 400 रुपये होगा, जो मैंने फॉर्मूला यहां पर लगा दिया था ना, अब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आया है। और फाइल चार्ज आप चाहें तो 1% के हिसाब से भी लगा सकते हैं, 400 रुपये भी कर सकते हैं। और इंश्योरेंस फीस जितनी एक्चुअल आ रही है वही आपको लेनी है, इंश्योरेंस फीस में आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट या अपना प्रॉफिट नहीं देखना है, इंटरेस्ट आपका इतना हो गया। और क्योंकि हमारा लोन क्या है दोस्तों 30,000 से ज्यादा का है, तो हमें जो मंथ है यानी टेन्योर ऑफ लोन है वो कम से कम 24 मंथ रखना जरूरी है, सॉरी 24 मंथ रखना जरूरी है। तो आपको देखना आपने इनपुट वैल्यू इतनी डाली है, सब कुछ देखिए मंथ क्या हो गया, 24 तक अपने आप चला गया है, कितनी ईएमआई बनेगी, 2219.63 रुपये की आपकी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट कितना देना है, 12,071 रुपये का दोस्तों 2 साल में इंटरेस्ट देना है। कस्टमर को ये सारी बातें क्लियर करके ही आपको चलनी है। कस्टमर कह रहा है कि सर मैं 40,000 का ले रहा हूँ, तो सर 30 महीने की देखियो कितनी बन रही है, आप 30 महीने इसमें डालेंगे 30, तो आपकी 29 यहां पर ईएमआई बन गई है, ये शायद यहां पर फॉर्मूला लगा हुआ नहीं है, नीचे मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। ठीक है दोस्तों, अगर कस्टमर बोलेगा कि 36 मंथ के लिए आपको देना है, तो आपकी देखते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे फॉर्मूला लगा हुआ नहीं है, ये फॉर्मूला हम सही करके दे देंगे, इसलिए नीचे की फिगर नहीं आ रही है, 29 तक की ये फिगर आ रही है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मतलब सारा का सारा अपने आप कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो टोटल मंथली आपको पूरा का पूरा क्लियर कर देना है, अगर यहाँ पर 50,000 है तो आप 50,000 ही कर देंगे, लेकिन जो लोन का पीरियड है वो ज़्यादा से मतलब आप मोस्ट ऑफ द केसेस में 24 मंथ ही रखें, क्योंकि ज़्यादा लंबा पीरियड हो जाता है ना तो कस्टमर भी थोड़ा बाद में डिफॉल्ट के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें ये करना है। और जब भी आप कस्टमर को फॉर्म देंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ईएमआई की जो डेट है, ईएमआई कब पे करनी है, ईएमआई पेमेंट विल बी डन ऑन 7th of every month, तो ईएमआई की पेमेंट कब करनी है, हर महीने की 7 तारीख तक ईएमआई की पेमेंट दोस्तों कर देनी है। और जो आप लोन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहता है कि जो लोन की ईएमआई है वो आपको जब कंपनी ने बताया उसके हिसाब से पे करनी है। अगर आप डिले करते हैं उसमें तो आपको 1 से 7 दिन का डिले है तो 100 रुपये की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, अगर 7 से 10 दिन का डिले है तो 200 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अगर आप 10 दिन से ज्यादा का डिले करते हैं तो उस केस में दोस्तों आपने जो उनसे चेक वगैरह साइन करा रखते हैं उनको इनकैश करने के लिए आप बैंक में दे सकते हैं। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम चेक वगैरह ले सकते हैं कस्टमर से साइन करा के? जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वही तो सेव पॉइंट होता है, बाकी तो कोलेटरल फ्री है और कोलेटरल में चेक आता भी नहीं है,
एच पर लोगी, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। और कस्टमर अगर डिफॉल्ट करता है तो आप बाद में लीगल एक्शन ले सकते हैं। लीगल एक्शन कैसे लेना होता है? लीगल एक्शन के लिए आप एडवोकेट से कॉन्टैक्ट करके कोर्ट में उनसे केस दिला सकते हैं, लीगल लीगल नोटिस वगैरह भिजवा सकते हैं। लीगल एक्शन के लिए डायरेक्ट एडवोकेट को कॉन्टैक्ट करना होता है, हम लोग वो नहीं करते हैं। हम लोग आपको सजेशन दे सकते हैं कि किस तरीके से आपको करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें बताने के बाद, ये लाइन भी आपको यहीं पर लिखने के बाद, नीचे कस्टमर के साइन कराने के बाद, दो कॉपी निकालने के बाद में आपको सारे के सारे कस्टमर को ये प्रोसेस फॉलो करना है, और कितना लोन दे रहे हैं, कितनी ईएमआई है, ये रिकॉर्ड आपको अपने पास भी रखना है कि भाई कितनी ईएमआई उस पर्सन के आनी है, कितनी उसके